लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आराधना के हर धोखा था इस समाज के, राष्ट्र के, प्रकृति के, विश्व मानवता की निष्काम सेवा। गायत्री मंत्र के तीसरा चरण हमके सच्चा धर्म के जानी के, सद्बुद्धि के मार्ग पे चली के, सबके सेवा करल सिखावत था। हमनी से भूलो के ऐसन कौनो कार्य नहीं होखे जे परमात्मा के ई विश्व वसुधा उजड़ जास, हमनी केहू के आत्मा के दुख न पहुँचाई, हमनी के अंतःकरण इतना विराट बन जाए जे अपन सत्कर्म से ई बगिया और ई सुंदर बन जास, हमनी ईश्वर के इस सृष्टि के जितना सुंदर बना सकत हैं बनाई, पिछड़ापन के मिटाई, अनगढ़ता के हटाई, सभी के विद्यावान बनाई, अध्यात्म चेतना राष्ट्र चेतना के भावना से सभी के ओतप्रोत कर दी। यह सच्चा समाज सेवा है। युग दृष्टा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम चरण शर्मा आचार्य जी कहले हवे कि अपन सुधारे संसार के सबसे बड़ सेवा है। आई हम शुरुआत अपने से करी और ये अपन सेवा साधना से कुल विश्व वसुधा के समुन्नति करी के युग निर्माण के प्रक्रिया के गति दी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुनि पाराशर के आश्रम में जाई के उनके गायत्री मंत्र का है और एकर 24 अक्षर के अर्थ का है एकर ज्ञान होत है। अश्वपति गायत्री के तपस्या आरंभ करी देवेले। उनकर कठोर तपस्या से प्रसन्न होई के माँ गायत्री उनकर सामने प्रकट होई के उनके संतान प्राप्ति के आशीर्वाद देवेले। राजा के घर माँ पुत्री के जन्म होत है जेकर नाम रखल जात है सावित्री। राजन, यशस्वी भव महाराज अश्वपति। सावित्री के शिक्षा पूर्ण हो चुकल है, वो सब ही गुणन में पारंगत हो चुकल है। प्रणाम माताश्री। हमार प्यारी पुत्री, माई पुत्री। राजन, आप हमके सावित्री नाम के कन्या सौंप ले रही, हम ओके सावित्री बनाई के आपके सौंप रहल हई। ई आपकी बेटिये नाही, हमार शिष्या भी है। ई हमार आश्रम के एगो बहुमूल्य रतन है। एके हमार धरोहर समझी के एकर रक्षा करे राजन। हम कृत कृत हो गए नहीं। होनहार बड़ बलवान होता था महाराज। होनी के माता गायत्री स्वयं काल के द्वारा करवा लेते हैं। हम लोगन तो निमित्त मात्र हैं। आप पर माता गायत्री की असीम अनुकंपा है। राजन, माता गायत्री समय समय पे आपके मार्गदर्शन अवश्य करी हैं। जाव पुत्री, जौन काम बदे तोके मानव शरीर प्राप्त होखल है ओके संपन्न करा।
हमके आशीर्वाद दे। आयुष्मान भव। आवा बेटी। आज्ञा दी गुरुदेव। कितना सुंदर दृश्य है ना। हाँ, बहुत बढ़िया है। साचो है, कितना सुंदर वन है। चल ना। हाँ। मोहक वातावरण है। बहुत। वो पंछी के देखा कितना सुंदर है। हाँ। चला जल्दी राजकुमारी जी। चली महल वापस चली। हमके जंगल में बहुत डर लागत है। अवंतिका, डर कौन बात के, हम है ना तो लोगन के साथे। देखा ना ऋतु कितना सुहावना है। चला चला। शक्ति यहाँ आसपास है जी, हमनी के पीछा कही रहल है। हाँ, हमके भी ऐसने लागत है। राजकुमारी जी, अब हमके डर लागे लगल है। हमने के यहाँ से चले के चाही। नहीं, तू लोगन घबराओ मत। गायत्री मैया पे भरोसा रखा, वो हमनी की रक्षा अवश्य करी है। कौन हवे तू? कौन हवे तू? उत्तर दा, नहीं तो हम तुमके भस्म कर दे। तू कौन हवे? कौन हवे तू? हम ब्रह्म पिशाच है। यहाँ हमार निवास है। हमरे आज्ञा के बिना यहाँ केहू प्रवेश ना कर सकेला। हमनी के एकर पता नहीं रहा। यही से हमनी के कौनो अपराध नहीं है। यहाँ से चल जाए। यहाँ आवे वाला लाउट के नहीं जाला। हम तोने लोगन के जीवित नहीं छोड़ा। जय माँ गायत्री देवी। जय माँ गायत्री देवी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
जय माँ गायत्री देवी। सुन ली अब हमनी के पुत्री सावित्री के साथ वन माँ का भाई? सुन ली हमारानी, सब सुन ली। छोट मोट पिशाचन के मारल ता हमनी के बेटी बदे खेल हा। अब ओके आयु खेले कूदे के नाही हमाराज, ई आयु में लइकियन बियाह कई के आपन घर चल जावे ली। महारानी, हम सावित्री के बियाहे के चिंता में डूबल रहली हा। जहां भी प्रयास कैली हा ओके योग कोनो वर नहीं मिल रहा है हमके। जे मिला था होके तेज के प्रभाव के आगे नतमस्तक हो जाता। मां 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 हम हताश हो चुकल हैं, हम कर्तव्य विमूढ़ हो चुकल हैं। हमार मार्गदर्शन कर माँ, हमार मार्गदर्शन कर। हमके शक्ति द माँ, हमके शक्ति द माँ, हमके दर्शन द। करा राजन, वो आपन वर खुदे ढूंढ ली। जल के प्रवाह आपन मार्ग अपने आप बना ले था, कौनो बाधा होके रोक नहीं सकत है। माँ, ई का कह रहे हैं आप? ऐसन कबू भइल हा? प्रिय माता गायत्री स्वयं हमसे ऐसन कहले हैं। का हम आपके ढूंढ ले रही? हमार माता पिता आयल रहलन आपके लगे सम्मन लेके। महारानी, यदि माँ गायत्री हमरा से ऐसन कहले हैं तो एके पीछे अवश्य कोनो कारण हुई। नहीं, ये उचित नहीं है। कहवा भटके हमार बेटी? नहीं, हम अपन बेटी की वर ढूंढे बदे भटके नहीं देब। ये हमनी के उत्तरदायित्व है। नारायण 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 नारायण। देवर्षी देवर्षी नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि, आप ही बताएं, ई कहत हवे सावित्री के स्वयं अपन वर ढूंढे के झूठ होके के चाही? सावित्री अपन वर अपने ही ढूंढ ली, ऐसन माँ गायत्री हमसे स्वयं प्रकट होके कहले हैं। बाकी हम नारायण नारायण। महारानी मालवी, यदि माता के ऐसा आदेश है तो हो सका था इमा राजकुमारी सावित्री के भलाई छुपल हो। देवर्षि आप भी? महारानी, आर्यन माँ तो स्वयंवर के प्रथा है, स्वयं के अर्थी है, आपन मन पसंद पति के चुनल। यदि सावित्री आपन मन पसंद वर के चुना था तो इमा अनुचित ही का है। हमके तो कुछ समझ में नहीं आवा था। महारानी, चिंता मत करा, राजकुमारी सावित्री हर विद्यामान निपुण है, उचित वर ढूंढे में उसे कोनो भूल नहीं हुई। ओके माँ गायत्री के आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, बाकी वो अकेले नहीं जाए, महामंत्री सुमित भी ओके साथ जाए हैं। नारायण नारायण। राजकुमारी, हमने अपन राज्य के सीमा से दूर दोसर राज्य के सीमा में प्रवेश कर रहल हैं। दोसर राज्य के सीमा में प्रवेश करे बदे
अनुमति की आवश्यकता हो खेले मंत्री जी? हमारी आशा नहीं है, ये राज्य के राजकुमारों ब्याह योग्य है। तका आपकी इच्छा है हम राजकुमार की देखी? हाँ, हम यदि यह उद्देश्य से निकलन हैं तो काहे ना अवसर के लाभ उठाते चले। ठीक है, यहाँ के राजा और राजकुमार के हमनी के आगमन और उद्देश्य की सूचना भेजी। जाओ ना आज्ञा राजकुमारी। महारानी, महारानी, महारानी। कहीं महाराज, इतना उत्सुकता, इतना व्यग्रता का भइल? मंद देश की राजकुमारी सावित्री हमनी के महल में पधार रहल है, और ध्यान रहे उनके स्वागत में कोनो प्रकार के कमी नहीं होके। आप बतौले नहीं महाराज, राजकुमारी कौन उद्देश्य से यहाँ पधार रहल है? अपन पिता के आज्ञा से स्वयं अपन बदे योग्य वर ढूंढे निकलल है। अर्थात सौभाग्य स्वयं हमनी के घरे आ रहल है। हाँ महारानी, हाँ। पिताश्री, आप हमके काहे स्मरण कैनी हैं? पुत्र, मंद देश की राजकुमारी सावित्री ब्याह के इच्छा से यहाँ आ रहल है। ता हमरा बदे का देश है पिताश्री? उनके सम्मुख आवे पे कौनो प्रकार के अशिष्टता प्रकट नहीं होके के चाहिए। आपके आदेश के पालन कर पिताश्री। हमार पुत्र के देखी के राजकुमारी मंत्र मुग्ध हो जाई। हम अपना कोख से नर रत्न के जन्म देहले हैं। हाँ महारानी, हाँ। चले अतिथिशाला माँ राजकुमारी के स्वागत की हल जाए। हाँ महाराज, अवश्य। हाँ। चला पुत्र। आई राजकुमारी सावित्री, राजमहल में आपके स्वागत है। पधारी मंत्री जी। महाराज, राजकुमार कहाँ है? राजकुमार के बुलावल जाए। राजन, आप लोग हमनी के राजकुमारी सावित्री से परिचित होइए गए हैं। हमने अपन आवे के प्रमुख कारणों बता देल चाहत हैं। इस स्वैच्छित वर ढूंढे के उद्देश्य से भ्रमण कर रहल हैं। पुत्र, यही राजकुमारी सावित्री। पुत्र, तू राजकुमार के पैर छू रहा है? माई, ई इहे योग्य है। पर ई तो से ब्याह की इच्छा लेके आए हैं पुत्र। माई, हम इनके योग्य नहीं हैं। हम तो इनके चरणन के धूर के समान हैं। क्षमा करी देवी, क्षमा करी। यहाँ पे भी आ गए हो? आप राजमहल छोड़ के आश्रम वासी काहे बन गए ली? व्यवस्था है सुभद्र। कैसन व्यवस्था? हम समझ ली नहीं महाराज। हमरे ही भाई, जैसे हम
पुत्रवत प्रेम करत रहली। अपन महत्वाकांक्षी पत्नी के उकसावे पे हमार राज्य हत्यावे खातिर एक भयानक षड्यंत्र रच डललस।